Attention! Hello. Hello. Gender Hello. Salute! Hello. Salute! Principal of the Wisdom Global School, Coordinator Sweta Kocher, Director Sunil Jain, the Wisdom Global School, Trustee Rishabh Jain, Neeta Jain, our teaching staff, non-teaching staff, parents and dear children. Today is a very auspicious day that we are celebrating the 71st Gantantra Divas. हम मना रहे हैं. हमारे लिए बहुत ही एक सौभाग्य का विषय है कि आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं और अपने द्वारा लिखा कॉन्स्टिट्यूशन जिस दिन हमारे देश में प्रभावी हुआ उसको आज मना रहे हैं. प्यारे बच्चों, आपको शायद नहीं मालूम होगा कि जब देश हमारा आजाद नहीं था तो हमारे पूर्वज, हमारे पिताजी और हमारे दादाजी और उनसे पहले वाले लोग कितनी कठिनाई और कितनी परेशानी में जीवन यापन करते थे. आज उस आजादी को प्राप्त करने के लिए जिन शहीदों ने अपना बलिदान दिया है हम उनको नमन करते हैं. उन 3.5 लाख जाने और अनजाने शहीदों को आज हमारा नमन करना फर्ज बनता है जिसके कारण आज हम अपना ये गणतंत्र दिवस मना रहे हैं. उसके साथ हमारे सरहद पर खड़े उन जवानों को हम नमन करते हैं जो सियाचिन की ऊंची पहाड़ियों पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री सेंटीग्रेड हड्डियों को गला देने वाली सर्दी में हमारी सरहदों की सुरक्षा करते हैं
और हमें इस आजादी को अक्षुण बनाए रखने में हमें सहायता करते हैं। हम उन सभी सेनानियों को नमन करते हैं, उन सभी मिलिट्री फोर्सेस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस को हम नमन करते हैं जो सरहद के ऊपर और देश के अंदर उस आजादी को बनाए रखने के लिए दिन रात अपना सतत जीवन हमको दे रहे हैं, और हम उनको नमन करके उनके प्रति हम अपना श्रद्धा भाव यहां पर प्रेषित करते हैं। प्यारे बच्चों, ये जो हमारे सैनिक हैं, हमारा पुलिस विभाग है, और पुलिस विभाग के साथ साथ हमारे गेट पर जो पहरेदार खड़े हैं, हम उनको भी नमन करते हैं जिसके कारण हम इस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। यहां बहुत से पेरेंट्स बैठे हुए हैं, उनको याद होगा कि करीब 5-6 साल पहले हमारे देश में कभी बंबई के 5-स्टार होटल में धमाके होते थे, कभी ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट होते थे, कभी अक्षरधाम पर ब्लास्ट होते थे, लेकिन इन सभी सेनानियों की बदौलत आज वो सारे आतंकवादी सीमा पर सुपुर्द कर रह गए हैं, और केवल वहां पर हमारे सेनानी उनसे लोहा लेते हैं। हम उन सभी को नमन करते हैं, उनकी शहादत को हम नमन करते हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम उनको सदैव याद रखें। आज के दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया, और कॉन्स्टिट्यूशन हमने अपने लिए लिखा आज, इसलिए हमें इस बात की ओथ लेनी चाहिए कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे नियमों पर हम चलेंगे और उनका पालन करेंगे। चाहे आज का दिन हो और चाहे पहला हो, जो गुलामी है वो कभी भी सारी गुलामी नहीं होती, बल्कि मानसिक गुलामी रही है। हमको मानसिक गुलाम बनाया गया, एक दूसरे से हमें लड़वाया गया, और उन लोगों ने हमारे ऊपर राज किया जो हमसे बेहतर नहीं थे, लेकिन उनके अंदर मानवता नहीं थी और हमारे अंदर मानवता थी, और हम मानवता विश्वास करते हैं। इसी कारण वो हमसे खराब लोग भी हम पर शासन करके चले गए। हमें आज ये प्रण लेना है कि हम मानसिक गुलामी से बाहर निकलेंगे। इतने महान भारत में एक अजीब सी बीमारी ने जन्म लिया है जिसको हम कहते हैं कि कहने की अभिव्यक्ति। क्या अभिव्यक्ति का ये मतलब है कि हम देश को गाली दें, हम देश के प्रधानमंत्री को गाली दें, हम स्टेट के चीफ मिनिस्टर को गाली दें? नहीं, हम 10 20 50 100 लोग इकट्ठे होकर कहीं कहते हैं कि देश के टुकड़े टुकड़े होंगे, और उसको मीडिया दिखाता है, ये हमारे को गुलाम बनाने की निशानी है। क्यों टुकड़े करना चाहते हैं आप? ये सवाल आज आपको उठाना चाहिए जो अभिभावक यहां बैठे हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना है, हम लेके रहेंगे आजादी। कौन सी आजादी चाहते हैं हमें बताएं तो सही। आप आजाद नहीं है, हम आजाद हैं। ये मानसिक गुलामी है। हमारा देश
इतनी सुंदर अवस्था में आज है कि जो पड़ोसी देश कल तक हमें धमकी देता था कि हम तुम्हारे ऊपर परमाणु बम छोड़ देंगे, आज रो रहा है कि भारत हम पे हमला कर देगा। इससे सुंदर अवस्था हमारी क्या हो सकती है? हमें देश पे सबसे पहले गर्व करना चाहिए, देश पे अभिमान करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतवर्ष से अच्छा देश पूरे संसार में नहीं है, क्योंकि मैंने पूरे संसार को बहुत बार घुमा है। आप मानिए इस बात को, हमारा अकेला देश है जिसे संस्कृति कहती है अधर्म का नाश हो, धर्म की विजय हो और प्राणियों में विश्वास हो, प्राणियों में कल्याण हो, प्राणियों का कल्याण हो। प्राणी कौन? प्राणी मात्र हम और आप नहीं, बल्कि पेड़ पौधे, ये पक्षी, ये सड़क पे चल रहे जानवर, उन सब का कल्याण हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की धरोहर है। इससे बड़ी महानता आपको कहीं नहीं मिल सकती। कोई भी देश, कोई भी धर्म, सर अपनी बात करता है कि मेरा धर्म बढ़िया है, मेरा देश बढ़िया है, और मेरी बात मानिए, ये अकेला भारत पर उसकी संस्कृति है जो कहती है कि सकल प्राणियों का कल्याण हो। हमें आज के दिन इस बात पर गर्व होना चाहिए कि हम इतने सुंदर भारत में रह रहे हैं और धीरे धीरे हमारा भारतवर्ष, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाला वर्ष, आने वाली सदी भारतवर्ष की होगी। वो छोटी छोटी चीज जो हमारे लिए बड़ी बनी हुई थी, हमारी आज की सरकार ने मिनटों में समाप्त किया। धारा 370 काश्मीरियों के लिए जो एक नासूर था उसे समाप्त किया, छोटी मोटी चीज नहीं। भगवान राम का भव्य मंदिर 500 साल से जो अटका हुआ था, 3-4 या 5 महीने में हम उस प्रभु भगवान के मंदिर को बनता हुआ देख लेंगे, यह हमारे लिए गर्व की बात है। हमें इसके लिए उत्साहित होना चाहिए। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, लेकिन एक छोटी सी चीज जिसका मतलब भी नहीं जानते, CAA नागरिकता कानून एक हंगामा जाके रख दिया कि लोग हमें इस देश से बाहर निकाल देंगे। भाई देश से बाहर निकाल देंगे, ये तो नागरिकता देने का अधिकार है। आज ही यदि आपने सुना हो, अभी 1 साल पहले, सिर्फ 1 साल पहले, जिस व्यक्ति को भारत सरकार ने, जो दूसरे पाकिस्तान देश का था, भारत सरकार ने नागरिकता दी और आज उसको पद्म विभूषण अवार्ड दिया, इससे बड़ा कोई देश हो सकता है? अदनान सानी को आज भारत सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड दिया। हमारे ऐसे देश पे हमें गर्व करना चाहिए। दोस्तों आज के दिन मैं आपके सामने, प्यारे बच्चों आपके सामने एक बात ये रखना चाहता हूं कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिन है, ये हमारे लिए बहुत उत्सव का दिन है। बहुत से लोग, बहुत से स्कूल, बहुत से संस्थान आज इसको छुट्टी में मनाते हैं। 10 बजे 12 बजे अपने बिस्तर से उठते हैं, यहाँ तक कि रात पर जो झांझे निकलती हैं उनको देखने का भी हम समय नहीं निकाल पाते, जो गर्व का विषय है। आज के दिन हमें अपने देश पर इतना गर्व करना चाहिए कि सुबह से तैयार होकर हम ये समझें कि गणतंत्र दिवस क्यों मना रहे हैं। हम आज के दिन पुनः अंत में
उन सभी सेनानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिनकी वजह से हमारा देश आजाद हुआ। उन सभी सेनानियों को पुनः हम नमन करते हैं जिसके कारण आज हम इस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं, और साथ ही साथ हम आप सबको शुभकामनाएं देते हैं कि हमारा देश इसी प्रकार उन्नति करता रहे, इसी प्रकार सुदृढ़ होता रहे, और कोई भी ऐसी काली छाया हमारे देश पर ना पड़े जिससे हमारे देश में किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की भ्रांति हो। इन्हीं भावनाओं के साथ मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, थैंक यू वेरी मच।